हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, बस यही मेरी अभिलाषा है। दौड़ती भागती जा रही हूँ सुबह सुबह वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए या मंदिर के लिए, क्या कहा जाए। एक्चुअली पहले दिन गए थे वॉक के लिए, फिर दूसरे दिन से एक्सरसाइज शुरू हो गई और फिर तीसरे दिन से दर्शन शुरू हो गए, पूजा। फिर ये सोचा कि अब तीनों काम एक साथ ही हो जाए करेंगे। और जब लोटा लेके गए जल चढ़ाने के लिए तो सोचा चलो दिया बत्ती भी कर लेंगे, तो आज साथ में झोला भी चल रहा है, झोला भी तैयार हो गया है, तो दोनों काम हो जाएंगे। 7:10 बाकी थे हमारी घड़ी में तब हम लोग घर से निकले हैं और बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं पार्क में। फिर वहाँ सिंचाई की गई है, देखो दरवाजे के बाहर। अब पानी वानी डाल करके फिर रंगोली बनाई जाएगी। तो हर घर के दरवाजे के पास चाहे थोड़ा सा ही सही पानी के छींटे लगे ही हुए हैं। और फिर सुबह सुबह सफाई करके दरवाजे पर रंगोली। और ये है मंदिर का दरवाजा, आज भी खाली है, अभी खाली है। 7 होंगे शायद, अब लोग आएंगे। चलो अब अपने पार्क में चलते हैं। इस पूरे पार्क की जो बाउंड्री है ना, पूरा वही पूरा वॉक कर लो, 4 तो काफी है, काफी बड़ा है ऐसे गोल गोल घूम करके। तो वही लास्ट में हम लोग वही कर रहे हैं, नहा धो के तो आए ही हैं, पूजा पाठ हो गया, एक्सरसाइज, वॉक और अब घर जाके चाय नाश्ता। मेरी ना चाल बड़ी जल्दी जल्दी वाली है, मैं रोड पर भी ना ऐसे जल्दी जल्दी चलती हूँ, ऐसे स्लो मोशन में मेरे से नहीं चला जाता। तो वॉक की तो खैर बात ही है, वो कॉलेज टाइम की जो आदत है ना, हॉस्टल से क्लासरूम तक जाना, डिपार्टमेंट इतने दूर दूर हुआ करते थे हमारे अलावा यूनिवर्सिटी में, कि हम लोग दौड़ लगाते रहते थे हमेशा, और मेस से खाना खाया और भागना, तो वही वाली आदत लगी है। मतलब मेरे कदम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और आज मैंने अपना वेट लिया है मॉर्निंग में 60.7, और मुझे याद है किसी जमाने में 50 हुआ करता था तब भी हाय तौबा हुआ करती थी, 51 हो जाए ना तो चीख पुकार शुरू, हाय राम वेट बढ़ गया ये वो, और अब 60.7 है। शुभी के बाद से जो मेरा वेट बढ़ा है ना, फिर शुभम के बाद भी मैं मोटी थी, मतलब शुभी के बर्थ के बाद से मैं, मेरा मोटापा बढ़ गया है, फिर कभी कम नहीं हुआ है। अब देखेंगे क्या होता है। ये सुबह दिखाया था ना मैंने रंगोली दरवाजे पर,
ऐसे ही सबके दरवाजे पर लगी हुई रंगोली, कोई आगे पीछे जब जो उठा रंगोलियां तैयार। किसी किसी घर में तो बहुत बड़ी बड़ी रंगोली बनाते हैं, सुंदर कलर वाली भी दिखाऊंगी किसी दिन, थोड़ा देर से बनाते हैं। लेकिन बोलो, 8 बजे हम लोग आज घर वापस आ गए, 7 बजे गए थे, है ना। कल शुभम का लास्ट एग्जाम था तो आज से छुट्टी है। अब 7 अप्रैल से उसके स्कूल स्टार्ट होंगे, रीओपन होगा, मतलब जो छुट्टियां मिलती है ना एग्जाम्स के बाद वाली छुट्टियां हैं। तो सो रहा है आराम से, दोनों बच्चे सो रहे हैं, शुभी भी सो रही है और यहाँ शुभम भी सो रहा है। अब शुरू होंगे अपने घर में आने के बाद वाले रूटीन वर्क। तो मैंने लगा दिया झाड़ू और फिर अभी पोछा लगना बाकी है, शुभी पोछा लगा देगी। ये पक्षियों के लिए पानी डाल के रखते हैं, हमने पिछले साल भी रखते थे। यहाँ पर हमारी जो चिड़िया आती है ना, चिड़ी चिरा और उनके साथ 2-4 उनके और फ्रेंड्स, सब यहीं पर पानी वानी पी लेते हैं। जो नीचे नेट लगी है उतना हिस्सा हमने नीचे से लूज रखा है, वो वहां से आके पी लेते हैं। और सारे प्लांट्स में पानी डालना, और ये जो छोटे छोटे पॉट है ना, इनमें थोड़ा टाइम लगता है प्लांट्स को ग्रो करने में, ज्यादा जल्दी से बढ़ नहीं रहे हैं हमारे घर में फिलहाल। और ये बेडरूम में जो ऑर्गेनाइजर रखा है, इसका मुझसे किसी ने लिंक मांगी है, ये इसका लिंक नहीं है, लेकिन ये ना अमेजोन फ्लिपकार्ट सभी जगह है, बहुत कॉमन है ये। लेकिन ये ड्रॉर बहुत बढ़िया है भाई, हमने 5 वाला शेल्फ लिया था, इसमें 3 शेल्फ का भी आता है और 2 शेल्फ, बहुत बढ़िया है। मतलब जितनी चीजें नहीं होती कि यहाँ रखना है वहां रखना है, अपना एक जगह मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज है कि खोजना नहीं पड़ता है कि किसने कहाँ रखा है। हमारे यहाँ तो एक बॉक्स इसलिए बना रखा गया है ऊपर वाला सेक्शन, कि जिसको कोई ऐसी चीज रखनी है, संभाल के रखने वाली चीज, वहीं जाके रख दो, फिर ना किसी से पूछना है ना कुछ, वो चीज वहीं मिलेगी। और अलग अलग जैसे एक में मास्क रखें, एक में सॉक्स रखें, इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप, सामान फैला फैला सा नहीं रहता है, बढ़िया है वो। और काफी बड़े बड़े बॉक्स हैं उनके जो ऑर्गेनाइजर हैं। और बस वाइपर से शुभी ने यहाँ बालकनी में धुलाई कर दी है, सारे प्लांट से पानी डाल दिए दोनों बालकनी में, और पोछा लग गया है फटाफट से, ये काम। वैसे आज शुभम को लगाना था, दोनों आपस में भिड़ रहे थे। शुभी कहती कल मैंने लगाया था, आज तुम लगाओ। वो कह रहा दीदी तुम चली जाओगे फिर तो मुझे रोज ही लगाना है, इसलिए अब तुम जब तक हो शुभी जाने वाली है, तो इसलिए दोनों मतलब एक दूसरे से बोल रहे थे। वो कहती नहीं नहीं आज तुम लगाओगे, तो वो कह रहा है अब तुम चली जाओगे दीदी फिर रोज मुझे लगाना है, इसलिए आज तुम लगाओ, अभी जब तक हो तो तुम लगाओ। खैर वो तो अब बात की थी बच्चों की, पता है ना भाई बहनों का सबके घर में वही हाल है, हर छोटी चीजों में आपस में ऐसे भिड़ते हैं, तभी लगता है ये लोग हैं। और अब वो जा रही है तो चाह भी रहा है कि ना जाए, मम्मी क्या जरूरत है, हमने कहा अच्छा। और बस ये हमारे यहाँ बुकनू पराठा खाया जा रहा है नाश्ते में, बुकनू पराठा मतलब ऑल टाइम फेवरेट है हमारा। लेकिन बुकनू मैं बनाती नहीं हूँ, ये मार्केट की बुकनू है, हम गोल्डी बुकनू के पैकेट्स लेते हैं, जब भी यूपी जाते हैं तो स्टॉक में बुकनू के पैकेट लेके आते हैं, मैं बुकनू नहीं बनाती हूँ। और ये ठंडी ठंडी खीर रात में बनाई थी मैंने, रात में किसी ने नहीं खाया था, एक बार का पेट भरा था और खाने के साथ में मन नहीं हो रहा था किसी का खाने का, कोफ्ते की सब्जी और रायता था तो। और अब है शाम का टाइम, 6 बज रहे हैं, 10 मिनट तो हमारी घड़ियां आगे ही हैं, और गुप्ता जी ड्यूटी से आ गए हैं, शुभम ट्यूशन से आया नहीं, आ जाएगा। तो शाम की तैयारी, शाम में आज सबको खाने का मन है, चाट पार्टी करनी है। मैंने कहा था ना काफी दिनों से चाट नहीं बनी है, तो आलू टिक्की बनाएंगे और पानी पूरी, और जम के खाएंगे और फिर कंपटीशन भी करेंगे, देखें कितनी पानी पूरी कोई खा रहा है, काफी दिनों से नहीं बनी थी ना, तो सबका मन है। तो मैं क्या करूंगी, आलू उबालने रख देती हूँ, और चूंकि काम कम है आलू उबल जाएंगे फटाफट से। और आज गुरु आ रहे हैं तो केंद्र जाना चाहते हैं सब लोग साथ में फैमिली के साथ, तो हम लोग जाना चाहते हैं केंद्र, वहां जाएंगे, वहां से वापस आएंगे, आलू उबले हुए रखे रहेंगे, फटाफट से मैं टिक्की सेक दूंगी, चटनी रखी है, दही रखी है, तो हो जाएगा। और पानी पूरी के लिए पूरी भी फ्राई कर लेंगे उसी टाइम पे। तो फिलहाल मैं तैयारी करती हूँ, और ये शाम के लिए सबके लिए वाटरमेलन कट करके रख लेती हूँ, ट्यूशन से आया शुभम, फिर सब लोग साथ में वाटरमेलन खा के निकलेंगे। गर्म बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी आए ड्यूटी से तो गुप्ता जी आराम कर रहे हैं, बहुत गर्म है।
यहाँ पर छोटे छोटे वाटरमेलन मिलते हैं, सच में बहुत छोटे छोटे से, क्यूट से एकदम, खरबूजा जैसे, दो खरबूजे बराबर एक तरबूजा ये वाटरमेलन, लेकिन मीठे बहुत होते हैं और उतने ही ज्यादा लाल देखने में और खाने में भी मीठे। अब तो सीजन है, खैर कोई अच्छा अच्छा लगे ना अच्छा लगे, लेकिन ये फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। और ये जो इसका छिलका है तरबूजे का, लास्ट ईयर मैंने इसके साथ टूटी फ्रूटी बनाई थी, वो रेसिपी शेयर की थी। आप में से किसी को देखना है तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अभी तो फिलहाल मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस बार भी बना के रख लूंगी। बहुत दिन चलती हैं टूटी फ्रूटी होममेड। और बस अब ये प्लेट्स में मैंने सर्व कर दी है वाटरमेलन। इसमें मैंने पिंक सॉल्ट डस्ट किया है। पिंक सॉल्ट के बिना वाटरमेलन खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और पिंक सॉल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को भी वही आदत लगी हुई है, अगर किसी में नमक नहीं छिड़का गया है तो नमक मांगने लगते। भी शुभी कह रही थी दो चार रह गए होंगे ना बिना नमक के, तो मम्मी काला नमक चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। जूस बना लो, अगर बच्चे नहीं पीते हैं तो जूस भी बना के दिया जा सकता है। इसका जूस बनाना बहुत इजी रहता है, ब्लेंडर जार में इजीली बन जाता है। अब मैंने कुकर में आलू उबालने के लिए रख दिया है। आलू मैंने ज्यादा उबाले हैं, एक तो हमें पानी पूरी के लिए भी चाहिए आलू, और प्लस हमें आलू टिक्की के लिए चाहिए, इसीलिए मैंने आलू ज्यादा से उबाले हैं। और आलू उबलने रख दिया, फिर मैंने धनिया पत्ता, पुदीना, हरी मिर्ची और अदरक निकाली है फ्रिज से, इनको पीस करके। मैं सोच रही हूँ कि हम पानी बना के रख जाएं, केंद्र जाना है हमको तो पानी बना के रख दें। इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं पूरियां गरम गरम तल दूंगी, वो जो हम बनती है ना रेडी मिक्स वाली, रेडीमेड, और बस खाएंगे हम लोग पानी पूरी घर में आराम से वहां से वापस आने के बाद। यही हमारे इरादे थे। अब मैंने यहाँ ग्राइंडर जार में ले लिया है अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, और बस इन्हें पीस लिया है, अच्छा सा पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, थोड़ा कम पीस रहा था, थोड़ा सा और धनिया डाल दिया था ताकि ये पूरा अच्छे से पेस्ट बन जाए। कम रहता ना थोड़ा सा तो वो जार में ऐसे चिपक के रह जा रहा था, इस वजह से थोड़ा और धनिया डाल करके, पानी डाल करके फिर पीसा तो एकदम चटनी जैसा बन गया। अब इसमें पानी डाल करके एक बर्तन में ज़्यादा सा घोल बना लिया। अब इसके अनुसार जितना पानी है उसके ऐसे नमक डालना है, तो पिंक सॉल्ट और ये नॉर्मल सॉल्ट दोनों डाले मैंने, सादा नमक और पिंक सॉल्ट, और ये भुने जीरे का पाउडर है जिसमें हल्की सी सौंफ और हींग भी मिक्स है, तो ये दो एक चम्मच भर के डाल दिया है। साथ में हींग डाली है क्योंकि हींग का टेस्ट जलजीरे में बहुत अच्छा लगता है। नींबू डाला है, एक नींबू निचोड़ के डाला है, फिर अभी टेस्ट कर लेंगे, फिर और कम ज्यादा जितनी चीजें डालना है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है ना कोई चीज ज्यादा हो जाए, तो ये जलजीरे के पैकेट हैं, ये मैं अक्सर डाल देती हूँ जलजीरा में। तो पहले एक पैकेट डाल करके घोला, फिर इन लोगों को टेस्ट कराया, तो इन्होंने कहा कि बहुत गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा पतला कर लें, फिर जलजीरा एक पैकेट और मिला लें, फिर नींबू एक और डाल लें, ऐसे करते करते जिसमें जो चीज कम ज्यादा लग रही थी ना उसके हिसाब से करना था। नमक सही था और नींबू और डालना था। फिर टेस्ट किया शुभम ने, तो बोला कि हाँ सब कुछ सही है, बस हल्का सा खट्टा और कर लेते हैं। वैसे जलजीरा से भी खट्टापन आ जाता है, नींबू मैंने डाल दिया है। अगर पहले से थोड़ा सा प्लानिंग रहे तो इमली जो होती है ना, सूखी इमली, कच्ची कैरी की जो वो होती है, आमचूर, आमचूर भी भिगो के पीस के बनाते हैं, वो पानी भी बहुत टेस्टी लगता है पीने में, स्वाद है उस पानी में। हमारे यूपी में तो ज्यादातर आमचूर वाला पानी बनाते हैं खट्टेपन के लिए। तो फिलहाल हमने जलजीरा और नींबू वींबू डाल करके खट्टापन ला दिया है। रखा हुआ मेरे पास आमचूर पाउडर, लेकिन जब जरूरत होगी तो डाल सकते हैं। ये फ्रिज में हमने रखा ठंडा होने को, और आलू उबल चुके थे, इंडक्शन बंद कर दिया, और हम लोग जा रहे हैं केंद्र। आरती का समय तो हो चुका है, थर्सडे है, गुरुवार है, आरती तो नहीं मिलेगी, लेकिन आरती के बाद दर्शन करने हैं। ये लोग तो मैं अभी होली में भी गए थे बच्चे पापा के साथ। मैं रोज कभी भी आओ ना तो एकदम सन्नाटा रहता है, लेकिन गुरुवार के दिन अच्छी चहल पहल रहती है, चाहे किसी भी टाइम जाओ, सुबह जाओ या शाम रात में जाओ, लोग रहते ही रहते हैं। तो दर्शन करने के बाद भी निकल गए आरती के बाद लोग, लेकिन अभी फिलहाल आना जाना शुरू रहता है। तो यहाँ पर ये औदुम्बर का पेड़ होता है, जहाँ पर दिगम्बरा दिगम्बरा श्रीपाद वल्लभ दिगम्बरा प्रदक्षिणा करते हैं, और ये हवन वाला एरिया है, ये जो बना हुआ है ना चौकोर, यहाँ पर ही हवन होता है। हर केंद्र लगभग सेम ऐसे ही बना होता है। पाचोरा का केंद्र भी हमारा ऐसा ही बना हुआ है बिल्कुल, जहाँ हमने शुरू किया था इस केंद्र में जाना। और ये है केंद्र,
एक कोई बच्चा हुआ होगा ने एक लेडी को, तो पहली बार मंदिर लाते हैं ना तो वो लाई थी, बहुत छोटा सा बेबी उनकी गोद में था, तो माथा टेकने के लिए लाई थी। तो बड़ा प्यारा सा बच्चा था, छोटू सा एकदम। और बस हम लोग का माल जप कर लिया और दर्शन हो गए, हम लोग ने सब बाहर निकले। और रास्ते में काम जरूरी है, काम ये जरूरी है कि जिसके लिए मैं स्पेशली निकली घर से, एक्चुअली वो मतलब केंद्र भी जाना था, गुरुवार है, और मुझे एक ऑरेंज कलर का शॉल चाहिए पूजा के लिए। तो शॉल वो दूसरी तरह की शॉल होती है, मतलब सिर्फ डालना है कंधे पे और पूजा करना है, वैसा जैसे ब्राह्मण लोग यूज करते हैं वैसा वाला। तो वो शॉल के लिए, अब कपड़े की दुकान हम गिनी चुनी तो जानते हैं भुसावल में, बहुत पहले हम भुसावल रह चुके हैं, 15 बंगला की तरफ रहते थे तब हम, उस तरफ की जो मार्केट है ना दूसरा स्टेशन की तरफ, वहां आए हैं आज हम लोग। तो 15 बंगला की तरफ यहाँ बड़ी मार्केट है, गोपी करके एक बड़ी स्टोर है, मनीष मॉल है बच्चों के कपड़े के लिए, जनता ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, सर साइकिल जहाँ से शुभम की हमने पहली वाली साइकिल ली थी शुभी की छोटी वाली, वो शॉप है यहाँ पे, मैं दिखाऊंगी। मतलब इस मार्केट में जब बच्चे छोटे थे तब हम इसी मार्केट में आते थे, कुछ भी खरीदारी की गई है तो यहीं से ली गई है। पहले बच्चे इन ये जो ठेले लगे ना यहाँ से पानी पूरी टिक्की या फिर कुल्फी खाने आते थे छोटे थे जब बच्चे, मतलब ये बात करीब हो रही है तो 14-15 साल पहले की बात कर रही हूँ। हम एक बार और पहले भुसावल रह चुके हैं तो हम लोग इसी मार्केट में आते, तो आज मैं इतने सालों बाद आई हूँ, अभी भी यहाँ आए हुए देखो 2-3 साल हो गए, इतनी दूर मार्केट में नहीं आई मैं। ये गोपी मॉल जहाँ पर है, मनीष मॉल है, और ये सारी दुकानें बदल गई, सारी दुकानों का नक्शे बदल गया, उनकी पूरी साइज सब मतलब पूरा काया पलट है मार्केट का, पूरा चेंज हो गया इतने सालों में, पर चीजें वही है ना, जिनकी दुकानें जो जहाँ है वही रहेंगी ना, वो बस बदल गया। ये देखो बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, काउंटर आगे से लगते थे, अब तो बाहर केवल देखो कपड़े डिजाइनर लगे हुए हैं, छोटे बच्चों के बड़े बच्चों के, ये सब पहले इतना नहीं था अब है, काफी रेंज रहती है। और लेकिन हमें जो गोपी दुकान पता है जहाँ सारे कपड़े मिलते हैं बच्चों के बड़ों के, और कोई भी इस तरीके की चीजें कि हमें ये कपड़ा वो कपड़ा चाहिए, एटलर, यहाँ साइकिल यहीं से शुभी की साइकिल ली थी पहली साइकिल, और क्या क्या था यहाँ देखो ये पूरा फर्नीचर का है बहुत सुंदर, यहाँ से भी तो कुछ तो लिया गया था, याद नहीं आ रहा क्या लिया था, कोई टेबल ली थी, स्टडी टेबल ली थी शायद, और कूलर देखो यहीं पे है, ये सब पूरा मेन मार्केट है। अगर से मैं बोल ना पाऊँ ऐसे जल्दी जल्दी निकल जाए दुकानें, तब भी देखो दुकानें सब मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सब चीजें मिलती हैं, ऐसा नहीं कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है, बस आइडिया नहीं है ना इसलिए थोड़ा सा लगता है डर। तो हम गोपी मॉल में आए, इतनी बड़ी ये शॉप है, मतलब 3-4 मंजिला है, लिफ्ट से ऊपर नीचे जाना है, और हमें लेनी एक शॉल है, हमने बोल दिया था कि हमें शॉल चाहिए, उन्होंने बोला हाँ आप 3रे मंजिले में चले जाओ इस कपड़े, हमें हैरान भी थी, मैं सोची यहाँ पे कहाँ मिलेगी, छोटी मोटी दुकान में मिलेंगी वो चीजें, तो वो बोले नहीं नहीं है आप बताइए तो क्या चाहिए, फिर ये वाली शॉल चाहिए थी ऐसी ऑरेंज कलर की, मेरे पास एक व्हाइट कलर की रखी है बॉर्डर बनी हुई है सुंदर सी, वो सवाल लिखा है वो भी यहाँ पर मिल रही थी, तो मैंने सोचा सफेद नहीं चाहिए मुझे, सफेद तो हमारे पास है, हमें रंग चाहिए था लाल या फिर नारंगी, तो फिर उन्होंने ये नारंगी दिया, हमने लिया जो मुझे मेन मकसद था पूजा के लिए चाहिए था इसलिए लिया, और बस पेमेंट हुआ और फिर हम लोग निकलने लगे। और यही दुकान छुबी को याद है ये वाली गोपी मॉल, बताती है कि उसके जो फ्रेंड्स भी तो ना स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ से लिया हमने गोपी मॉल से ये लिया, मतलब अक्सर बच्चे गोपी बोलते थे, तो वही शुभी को याद आया कि हाँ मम्मी ये तो काफी फेमस है, सब लोग इनका नाम बोलते थे, मनीष और गोपी दो नाम बहुत सुनते हैं, और जनता जो बता रही थी मैं, वो फर्नीचर और ये साइकिल वो पूरी फैमिली है उनकी, पूरी कई सारी दुकानें हैं। तो ये ना स्टेशन का जो मेन स्टेशन भुसावल का है वहां उस साइड दो गेट है ना भुसावल में स्टेशन के, तो ये एक नंबर गेट की तरफ का है और हम 6 नंबर के गेट की तरफ उतरते हैं, आना जाना करते हैं जो भी, और यहाँ से अब हम लोग लौटे अपने घर के लिए, पूरा मार्केट मार। तो शर्मा चाट भंडार में हम लोग आए हैं, यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं भेल, इन लोगों को ना यहाँ की भेल बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने कहा खा लो भेल तुम लोग, फिर घर में तुम लोग को पानी पूरी तो खानी है, फिर शुभी बोली यार टिक्की मत बनाना हम भेल खाएंगे। 9 बजे हम लोग घर आए हैं और केंद्र गए, बच्चों ने भेल खा ली है, तो अब ये हुआ कि अब टिक्की तो नहीं बनाई जाएगी, पानी पूरी बनाते हैं, पानी की तो तैयार करके रखी गई थी मैं, आलू उबाल के गई थी, तो अब आलू की तैयारी करूं और पूरी तलती हूँ।
तो टिक्की तो नहीं बना रहे हैं, और जो आलू हैं उनको मैं फ्रिज में रख दूंगी, ज्यादा से आलू जो हैं, तो कल हम लोग आलू के पराठे वगैरह बना लेंगे, नाश्ते में काम आ जाएंगे। और बस थोड़े से आलू लिए हैं, 2-3 छोटे साइज के आलू, उनको मैंने छिलका उतार के मैश किया है। छुपी ने प्याज बारीक काटी है, धनिया पत्ता कट किया है, और मैं आलू बना रही हूँ। ये आलू प्याज शुभी को पानी पूरी में भर के खाने में अच्छा लगता है। तो धनिया पत्ता कटा हुआ डाला है, कटी हुई प्याज डाली है, आलू अच्छे से मैश कर लिया है, इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और बस इसे मिक्स कर लेंगे। चाहो तो और इसको वो भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर वगैरह डाल सकते हैं खट्टा अगर करना है तो, वरना ये इससे भी मिक्स करके भरता जैसा बन जाता है ना, ये भी ऐसे डाल के खाने में अच्छे लगते हैं। या बहुत से लोग सिर्फ आलू डालते हैं या सिर्फ प्याज डालते हैं, और ये भुने जीरे का पाउडर डाला है मैंने, तो बस भुने जीरे का पाउडर डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सचर तैयार हमारा, आलू मसाला पानी पूरी के लिए। आलू प्याज हरा धनिया नमक लाल मिर्ची और जीरा पाउडर, ये मिक्सचर रेडी हो गया है। वैसे पीली वाली जो मटर होती है, वटाने बोलते हैं हम लोग, मटर बोलते हैं, वो भी पानी पूरी में बहुत अच्छी लगती है। आज मैंने नहीं बनाई है, कभी बहुत ज्यादा चाट बनानी हो वैरायटी तो वो भी बना लेते हैं हम लोग, और आज तो काफी शॉर्टकट में है। ये है पानी पूरी की पूरियां, रेडीमेड हैं ये, पैकेट लिया था हमने साई जीवन से। ये बस डीप फ्राई करनी होती है, जैसे हम लोग पूरी बनाते हैं, ये घर में रखी रहती हैं, जब मन करे पानी बना लो, या फिर अभी कच्ची कैरी आ रही है, पना भी मैं ऐसे आइस क्यूब्स बना के रख लेती हूँ ना, तो कई बार जब मन चाहे अपना शाम में घोल लिया और बन गया पना पानी और पूरी खा लो वैसा। तो ये रेडीमेड होती हैं, क्रिस्पी होती हैं, क्रंची सी, लेकिन इनका टेस्ट आटे वाली पूरी से अलग होता है। पर यह है कि कभी कभार ऐसा खाना है और घर में बैठकर खाना है इत्मीनान से, तो उसके लिए बढ़िया होती हैं। कोई रिस्क नहीं है कि फूलेंगी कि नहीं फूलेंगी, ऐसा भी कोई झंझट नहीं होती है, ये रेडीमेड है। और अब तो मुझे लगता है सभी शॉप में मिलती होंगी, जो भी ग्रोसरी शॉप हैं, जैसे आजकल मैकरोनी पास्ता मिलता है ना, वर्मी सैली मिलती है पैकेट, उसी तरीके से आम हो गया है ये पैकेट, पानी पूरी का, गोलगप्पे का पैकेट। बस इन्हें थोड़ा थोड़ा डाल करके कढ़ाई पे डीप फ्राई कर लिया, जितनी खाना है उतनी बना लो, इसमें ये भी चॉइस होती है, जैसे भी ज्यादा बनानी है, खाना ही सबको यही खाना है पानी पूरी का, भेल बच्चों ने खाई है, तो ये पूरियां तल ली मैंने। इनको तेज आंच रखो तभी वो फूलती हैं, धीमी आंच किया तो वो फूलती नहीं है, एकदम से फूल जाती हैं, फिर भले ही आप आंच को मीडियम कर लो, पर एकदम धीमी आंच में बनाएंगे ना तो ये फूलेंगे नहीं अच्छे से, और थोड़ा सा हल्का सा कलर भी ब्राउन लाना पड़ता है, एकदम सफेद सफेद सा निकालो तो वो नरम नरम सी भी हो जाती हैं। और शायद ये जो पूरी है ना, ये सूजी से बनती हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं कैसे बनती हैं, उसमें कुछ लिखा नहीं है पैकेट में, बस यही लिखा है रेडीमेड पूरी, फुली फुली छोटी छोटी सी। इनके साइज लेकिन सही होते हैं, एकदम अच्छे से मुंह में घुस जाते हैं। और ये हमने फ्रिज से निकाला है ठंडा ठंडा पानी, जलजीरा, और इसमें मैंने डाली है बूंदी, अभी फ्रिज से अभी निकाला है, और आलू चोखा। तो ये है हमारी पानी पूरी की तैयारी। अगर हमें टिक्की भी बनानी होती, जैसा कि मैंने आलू उबाला था, तब मैं इमली खजूर की चटनी भी निकालती, थोड़ी दही निकालते हैं, फिर चटनी और के साथ टिक्की खाते हैं, टिक्की सेकते हैं तवे पे। अब आज वो कैंसिल हो गया क्योंकि इन लोगों ने भेल खा ली तो इनका पेट भर गया, और बस सब अब आज ही भेल क्यों खा ली, टिक्की तो बननी थी है ना, ये भी मन में सोच रहे होंगे। वो वहीं से निकले और वहां की भेल इन लोग को पसंद है, तो फिर मैंने बोला तुम लोग का मन है तो खा लो, बोले ठीक है, क्योंकि ये लोग भी रोज रोज तो जाते नहीं, और अब तो शुभी को जाने का भी टाइम हो रहा है, रिजर्वेशंस हो चुके हैं, जाएंगी बस, तो अब हमने कहा खा लो तुम्हारा मन है, इसको भेल बहुत पसंद। और बीच में रख दी गई है पानी पूरी, और प्लेट्स में सबने ले लिया आलू और थोड़ी थोड़ी सी पूरियां, फिर ले लेंगे बाद में, और उनमें होल करके सारा का सारा पहले पैक भर ले रहे हैं सब लोग अपने अपना, फिर लगातार खा रहे हैं। फिर ये हो रहा है कि छे छे जैसे भी उन्होंने प्लेट में बनाई ना, तो कौन जल्दी फिनिश कर रहा है प्लेट अपने ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। और पानी बहुत अच्छा है, जलजीरे का टेस्ट है, नींबू का खट्टापन भी है, पुदीने का अच्छा स्वाद है, फ्लेवर है, और बस बहुत ज्यादा तीखा नहीं बनाया है, मीडियम है, कि बाद में जलजीरा जैसा पी भी सके, बहुत ज्यादा मिर्ची रहे ना तो फिर पिया नहीं जाता है। 4-5 मिर्ची डाली थी मैंने, हरी मिर्ची और धनिया पुदीना ज्यादा डाला था। और सुंदर कलर करना है ना तो थोड़ा सा पालक के पत्ते भी डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आता है पानी पूरी का।
और बस रोज की जैसी हमारी टाइमिंग थी, हम 9 बजे आए ही थे कि हमने सिर्फ पूरी तली और ये मसाला बनाया आलू का और खाया, और वो अगले की दुनिया उसी टाइम पर हम खा रहे थे और देख रहे थे। मतलब जैसा हमारा रोज का टाइम होता है वैसा ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।